तो हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो देखिए, ये 2-3 दिन पहले की क्लिप्स थी और मौसम कांगड़ा में बहुत ख़राब होके रखा है। और दिन के टाइम बारिश हुई थी और शाम के टाइम देखो इतनी धुंध पड़ी हुई थी। मैं मार्केट में जा रही थी और ये देखिए सामने का भी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल मंजूपुर भारद्वाज चैनल में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी शाम का टाइम है और पहले बहुत ज़ोरों से बारिश पड़ी हुई थी और अभी जो है ना मौसम जो है बहुत ख़राब हो गया है और चारों तरफ जो है ना धुंध पड़ी हुई है। ये देखो, बैक कैमरे से तो नहीं, मैं फ्रंट से ही आपको बताऊंगी। ये देखो बिल्कुल धुंध इतनी पड़ी हुई है। अभी तक मैं मतलब घर से थोड़ी दूर ही निकली थी, जब मैंने देखा तो छत से तो दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे खेतों में तो बहुत ज़्यादा धुंध दिखाई देती है। ये देखो कितनी धुंध दिखाई दे रही है। और अभी बारिश का भी पूरा माहौल बन गया है, बारिश भी आने वाली है। और अभी मैं जो है ना पानी लेने जा रही हूँ, हैंडपम्प लगा हुआ है, बम्बे बोलते हैं हम वहाँ पे, तो मैं पानी लेने जा रही हूँ। अभी मैं बैक कैमरे से बताती हूँ, यहाँ का व्यू बहुत सुंदर लग रहा है, कुछ भी मतलब क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखो, ये पूरी की पूरी धुंध पड़ी हुई है। यहाँ इसके पीछे एक मकान है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, धुंध इतनी पड़ चुकी है। और यहाँ सामने मैं आपको बताती हूँ, यहाँ मतलब सामने यहाँ से पहले पूर्वा पड़ती थी ना स्कूल पूर्व में, वो भी घर दिखा मतलब स्कूल दिखाई देता था, लेकिन ये धुंध इतनी पड़ी हुई है कि यहाँ से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। बस इतना दिखाई दे रहा है कि मतलब पेड़ खड़े हैं। और ये देखिए इस साइड कुछ माहौल देख के तो कुछ ऐसा लग रहा है कि बारिश जो है लग पड़ेगी। और ये पड़ोसियों का देखो, केले का पौधा, यहाँ पे केले भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। ये देखो बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ से देखने का कुछ नज़ारा। और अभी लगता है मुझे भी फटाफट जाना पड़ेगा, नहीं तो बारिश जो है ना जल्दी से स्टार्ट हो जाएगी। और ये देखिए, हम पानी लेने पहुँच गए थे बम्बे में और यहाँ पानी में भर रही थी ना, और पूर्व जो है यहाँ पे सड़क की थोड़ी सी क्लिप्स इसने बना ली थी। तो ये देखिए यहाँ का व्यू कितना अच्छा लग रहा है। और ये देखिए, ये है मंडे की क्लिप्स, क्योंकि मंडे को हम साफ़ सफाई कर रहे थे। और ये मेरी बुक्स जो है ना, ये मेरी एमए की हिंदी की बुक्स हैं। और ये देखिए कितनी न्यू की न्यू है, और पूर्व इनको खोल खोल के देख रही थी, कितनी अच्छी लगती है। हाँ जी, तो अभी टाइम है मॉर्निंग का और अभी मैं आपको बताती हूँ कि आप हमने कौन सा धरना छेड़ दिया है। तो मैं सबसे पहले आप सब बाइटी वाले फ्रेंड को और जो भी जितने भी मेरे इस ब्लॉग को देख रहे होंगे और जो ना भी देखे, उन सबको 15 अगस्त की मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मैं काम में बिजी थी, तो थोड़े काम के चलते कारण बस मुझे टाइम ही नहीं लगा आपको विश करने के लिए। तो अभी देखो मैंने कौन सा काम छेड़ा है। आज मैंने कोई भी काम नहीं छेड़ा है एक्चुअली। आज मतलब फ्राइडे से पुरु के पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, उनको फीवर था। और ये सब आप सब लोगों को तो पता ही है कि लेडीज़ की मतलब कहीं फीवर हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो वो तो कर लेती है वैसे तैसे एडजस्ट, बट जब जेंट्स को कुछ होता है तो अभी ऐसा करो वैसा करो तो बहुत प्रॉब्लम होती है। और आज जाके वो कल से मतलब थोड़ा ठीक हो गए हैं। और आज वो पता क्या कर रहे हैं, देखो अभी ना मैंने दुपट्टा वगैरह ऐसे ही बांध के रखा है। मेरी फ्रेंड जब लोग देखती है ना, तो मेरे को बहुत डांटती है कि ऐसे दुपट्टा लगा के क्यों रखती है, क्योंकि मुझे ऐसे कंफर्टेबल लगता है। तो उन्होंने पता क्या किया है, आज ना पूरी मतलब जैसे आपको पता है मतलब थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, तो मतलब इतना गंद पड़ा हुआ था हमारी सेल्फ के ऊपर, तो उन्होंने पता जितना भी कूड़ा कबाड़ था वो सारा बाहर फेंक दिया। और अभी बताती हूँ, ये देखो आधा तो सामान अभी ऐसे भी गिरा हुआ है, दूसरी साइड भी गिरा हुआ है। मैं सेल्फ को बताती हूँ सेल्फ कैसी लग रही है बैक कैमरे से आपको। ये देखो पूरा जो सामान है ना, इन्होंने गिरा दिया। बस ये थोड़ा आप बोलते हो ना, मैं अपनी अगर लोकल भाषा में बोलूँ कि चंगा नंगा छोटा छोटा सामान रखा है ना, और बाकी देखो इतना गंद डाल के रखा हुआ है। हे बाप रे बाप, देखो। और मैं आपको बताती हूँ, हाय राम, थक गई मैं। ये ना पूरू छोटी सी हुआ करती थी, तो ये पूरू की स्वेटर थी, पूरू की नानी ने बनाई थी, पूरू की नानी ने बनाई थी पूरू को स्वेटर। और एक ये एक्चुअली क्या है ना, जब छोटी हुआ करती थी इसके बाद लग गया पिशु का नंबर, और एक वो फेंकी हुई है, मतलब सामान इतना फेंका हुआ, इन दोनों का हेलमेट। और मैं बैठ के बताती हूँ, इतना कूड़ा कबाड़, हे राम क्या बताऊँ मैं आपको, कंफ्यूज हो गई हूँ। ये देखो
बहुत गंद फेंक के रखा हुआ हमने, ये देखो। अभी ना इस कूड़े को देख के तो अभी मेरे को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। तो आगे पुरु पापा, हाँ जी, तो आइए आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो। कितना, ये देखिए इन्होंने मास्क लगाया हुआ है मास्क लगाया हुआ है और सफाई है। आज आपकी तबीयत कैसी है? मच बेटर। तो चलो ठीक है, हम इनका थोड़ा सा क्या कर लेते हैं थोड़ा सा, हम छुट्टी है तो जरा इनका मतलब क्या कर लेते हैं, यूटिलाइज, यस वो कर लेते हैं ना, मतलब कीमती काम इनका जो अब ऐसे ही लेटे रहते थे। तो आज इन्होंने अपना सफाई अभियान का देखो धरना छेड़ के रखा हुआ है ना, कर लेते हैं काम ऐसे। तो इधर इन्होंने ऊपर से भी अलमारी के ऊपर से भी सारा सामान इन्होंने फेंक दिया है, अभी कर लेते हैं थोड़ा काम, देन उसके बाद थोड़ी ब्रेक के बाद मिलती हूँ मैं आपसे। तो हाँ जी, ये देखिए कर दी प्रॉपर सफाई सेल्फ की, और इतना कूड़ा कबाड़ भर के रखा हुआ था पूरे सेल्फ के ऊपर, और दो तीन जो थे ना डस्टबिन निकले कूड़े के, और बिल्कुल प्रॉपर साफ कर दिए। यहाँ के कवर वगैरह भी खोलने पड़े, ये देख लो पूरा अभी करिए, बेड वगैरह साफ कर दिए, लेकिन बहुत गंदे हाल थे यहाँ सेल्फ के, देखने के ही नहीं थे। और दूसरी साइड बताती हूँ मैं, ये देखो कर दी सेल्फ दोनों साइड, इतना गंद मचा के रखा हुआ था ना कि पूछो ही मत। अभी अच्छी लग रही है थोड़ी सफाई। और देखिए, जैसा कि मैंने आपको बोला था ना कि हमारी काऊ प्रेग्नेंट है, भूल गए हैं कि हम कब इसका टाइम आने वाला है। और उसी दिन जिस दिन हमने सफाई की ना, रात के दिन गाय को भी मतलब डिलीवरी हो गई, और इसको ना बछड़ा हुआ है एक्चुअली, इसकी ताज़ा ही डिलीवरी हुई थी। और ये देखो अपने बच्चे को कितना प्यार कर रही है, और देखो अभी ना ताज़ा ताज़ा ही सूई है गाय। अभी तक आप बोलो ना कि अभी तक जो अपना मतलब बच्चे को इस तरह से प्यार से ये करते, क्योंकि जैसे क्या होता है ना साफ़ सफाई, जैसे लेडीज़ को बच्चे होते हैं तो वो आया वगैरह करती है, तो देखो गाय जो है ना अपने बच्चे को देखो कितना प्यार कर रही है, और कैसे इसकी सफाई मतलब ना अपनी जीभ के साथ कर रही है। तो ये अभी देखो बछड़ा ना इतना हट्टा कट्टा था, हाय राम की पूछो मत, इसका गला इतना ये है ना कि बेचारी गाय को ना इतनी प्रॉब्लम थी। और ये देखो बोलते हैं ना कि एक लेडीज़ का बच्चा होता है तो उसको मतलब चलने के लिए कितने साल लगते हैं, और गाय का बछड़ा देखो कितनी जल्दी उठा ना, और कोई 15 मिनट के बाद ना चलने लग पड़ा। और गाय तो अपने बच्चे को जरा मतलब थोड़ी देर के लिए भी ना अकेला नहीं छोड़ रही थी, और जो भी आगे जा रहा था ना तो मतलब ये उनको मारने के लिए डरा रही थी। तो ये भाई बोलते हैं ना लेडीज़ हो गई और गाय हो गई दूसरा जन्म होता है। तो चलिए फिर अपने ब्लॉग की एंडिंग आज मैं यहीं पर करती हूँ।